हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और चैनल के सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पीरियड डेट आने वाली है, उससे अभी उसमें एक हफ्ते का समय बचा है, आपने प्रेगनेंसी प्लान की है, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये दो काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका मिसकैरेज होगा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड्स ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो भी रहा होगा तो वो जो भ्रूण चिपकने वाला है वो डिटैच हो जाएगा और प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज में बदल जाएगी। तो इसलिए मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सतर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं अपनी सारी बहनों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको इन बातों का बेहद खास ख्याल रखना है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग हमारे पास कमेंट्स आए हैं। तो चलिए बताते हैं क्या वो दो चीज़ें हैं, इनका अगर आप खास ख्याल रखते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन जो है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा और बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको पीरियड से पहले, आपकी जो डेट है, आपकी पीरियड की जो भी डेट है, उससे एक हफ्ते पहले से आपको रिलेशन नहीं बनाना है। एक हफ्ते से ही पहले ही क्यों? अभी जब पीरियड डेट एक हफ्ते बाद है तो हम एक हफ्ते तक क्यों नहीं रिलेशन बना सकते? उसका रीज़न ये है कि अगर आप पीरियड डेट से एक हफ्ते पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो इससे जो रुका हुआ पीरियड है, आपकी जो डेट है पीरियड की, उससे पहले ही ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए पीरियड डेट से एक हफ्ते पहले जो है रिलेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें मेरी बहनों ने कहा कि मैम हमारी डेट एक महीने की एक तारीख थी और हमने रिलेशन बनाया, उसे तीन दिन पहले हमारी ब्लीडिंग हो गई, क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है? ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है, ये आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग है, आपने रिलेशन बनाया है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग आपको हो रही है, टाइम से पहले हो रही है। तो इसलिए पहली चीज़ बेहद खास ख्याल रखिए कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करिए तो एक हफ्ते पहले रिलेशन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है तो भी आपको साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, साइन सिम्टम्स नहीं भी दिख रहे हैं तो भी अगर आपने ट्राई किया है प्रेगनेंसी के लिए तो इस बात का बेहद खास ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आपको का जब भी पीरियड डेट आने बाकी है आपकी, या फिर पीरियड डेट निकल भी गई है तो भी अभी आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इस दौरान जो दूसरी चीज़ का बेहद खास ख्याल रखना है कि आपको कोई भी हैवी वर्कलोड नहीं लेना है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है या फिर कोई लंबा ट्रैवल नहीं करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स भी आए हैं कि उन्हें नहीं पता था, उनकी फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी उन्होंने कंसीव की थी, कोई बताने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने घर में अपने घर के काम के दौरान बहुत सारा भारी सामान उठाया है, हैवी वर्क लोड ले लिया या फिर बहुत लंबा ट्रैवल किया, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए इस बात का बेहद खास ख्याल रखिएगा कि जब आपका इम्प्लांटेशन फेज चल रहा हो, तो उस दौरान कभी भी लंबा रूट तय मत करिएगा, कभी भी बहुत लंबी ट्रैवलिंग मत करिएगा, या फिर अपने घर के काम के दौरान ही कभी कोई हैवी वर्क लोड लेना, कोई भारी सामान उठाना, ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत सारी महिलाओं के मिसकैरेज सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो अपने घर के काम के दौरान इन बातों का खास ख्याल नहीं रखती हैं। तो इसलिए ये दो बातें अगर आप ध्यान रखती हैं तो इससे आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और मिसकैरेज के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप एक हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। तो पहली चीज़ जो रिलेशन नहीं बनाना है, एक हफ्ते पहले से आपको अवॉइड करना है, और दूसरी चीज़ कि आपको अपने घर के कामकाज के दौरान इस बात का बेहद खास ख्याल रखना है कि आपने प्रेगनेंसी प्लान की है, आपके पीरियड डेट अभी नहीं आई है, तो इस आप अपने आप को प्रेग्नेंट की तरह ट्रीट करिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, इस तरह से समझ के अगर आप चलेंगे तो आपसे कोई गलती हो ही नहीं पाएगी। जब आपको खुद फील होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने ट्राई किया है, तो फिर दिमाग में आपके 24 घंटे इसी चीज़ का ख्याल रहेगा, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं हो पाएगी। बाकी जो है बताने के लिए हम यहाँ आपके लिए मौजूद हैं, आपको हर कदम पर सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए हम आपके साथ हैं। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इससे रिलेटेड पहले से चैनल पे वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आप फर्स्ट टाइम चैनल वीडियो देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं अगर आप पहली बार, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और भी क्या क्या सावधानियां हैं, सिर्फ यही दो नहीं हैं, और भी हैं, लेकिन उससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी के सभी वीडियोस एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।